नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी का 10वां भाग है और यह जो भी हिंदी के प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रामबाण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिल रही है और यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही मस्ट होगा और मैं यही बोलूँगा कि यह हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पर केवल चुन चुन के प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं, यह सभी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रहे हैं, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। यह जो यूपी टेट का पेपर होने वाला है, यूपी टेट का पेपर आप लोग समझ रहे हैं टल गया है, बहुत ही जल्दी इसका यूपी टेट का पेपर होगा। तो यूपी टेट को ध्यान में रखकर भी इस सीरीज को बनाई गई है और यह अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। देखिए 26वां प्रश्न देखिएगा, मैथिली, अवधी और हिंदी का क्या संबंध है? मैथिली, अवधी और हिंदी क्या है ये पूछ रहा है। तो मैथिली, अवधि, हिंदी का क्या संबंध है? तो यह बोली और भाषा का संबंध है, यह बोली और भाषा का संबंध है, मतलब चौथा विकल्प इसमें सही है। 27वां देखिएगा, 27वां प्रश्न, मैथिली का संबंध किससे है? मैथिली का संबंध किससे है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी? तो मैथिली का संबंध बिहारी से है, मैथिली का जो संबंध है वो बिहारी से है, मतलब 27वां प्रश्न का विकल्प दो सही है। 28वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बुंदेली बोली का संबंध किससे है? बुंदेली बोली का संबंध किससे है? बुंदेली बोली का जो संबंध है वह पश्चिमी हिंदी से है, बुंदेली बोली का जो संबंध है वह पश्चिमी हिंदी से है, पश्चिमी हिंदी से है, मतलब 28 का प्रश्न नंबर 28 का विकल्प दो सही है। प्रश्न नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ आदि संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ जो होगा संयुक्त व्यंजन होगा, ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए, आपसे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, सभी भारतीय लिपियों का विकास मूलतः किस लिपि से हुआ है? सभी भारतीय लिपियों का विकास मूलतः किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि से, इसमें विकल्प एक सही है। प्रश्न नंबर 31 देखिएगा, बोलियों के पहाड़ी वर्ग में कौन सा बोली शामिल नहीं है? तो गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमालयी आदि शामिल हैं, लेकिन पहाड़ी वर्ग में हाड़ौती शामिल नहीं है, हाड़ौती जो है शामिल नहीं है, इसमें विकल्प तीन होगा, हाड़ौती शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा दोस्तों, देवनागरी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी वर्णमाला में मानक स्वरों की जो संख्या है वह 11 है, मतलब विकल्प दो सही है। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा दोस्तों, क हिंदी ध्वनि वर्गीकरण में कौन सी ध्वनि है? क क्या है? क अल्पप्राण है या फिर महाप्राण है, सघोष है या घोष है? तो यह मैं आप लोग को सब बता ही चुका हूँ, क क्या है। तो देखिए, क जो होगा आपका अल्पप्राण होगा, क जो होगा अल्पप्राण होगा, अल्पप्राण में आएगा क। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा, कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, म, क, म तो स्पर्श व्यंजन में आएगा ही, क से लेकर म तक सभी व्यंजन जो होंगे स्पर्श व्यंजन में आएंगे। कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है ये पूछ रहा है, क, म, अंग, ख। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत गलती दिया है, स्पर्श व्यंजनों में सब आएंगे, सब के सब जो है वह स्पर्श व्यंजन है, क, म, अंग या ख सभी स्पर्श व्यंजन में आएंगे। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, भारत गणराज्य की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो देखिए भारत गणराज्य की राष्ट्रभाषा जो है जबकि हिंदी है, हिंदी है, जबकि इसे राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा लिखनी चाहिए, राजभाषा माना गया है हिंदी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, स्वर तंत्री के अनुसार अक्षरों के वर्गीकरण में ध किस प्रकार का वर्ण है? ध क्या है? ध जो है क्या है, अघोष, सघोष है या अघोष है, सुघोष है या विघोष है, क्या है ध? तो ध जो आपका, ध जो आपका घोष में आएगा, घोष में आएगा ध। प्रश्न नंबर 37 देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, विकास क्रम में हिंदी के ठीक पहले की भाषा कौन सी है? विकास क्रम में हिंदी के ठीक पहले की भाषा कौन सी है? तो हिंदी के ठीक पहले की भाषा होगी अपभ्रंश, अपभ्रंश होगी, मतलब प्रश्न नंबर 38 का विकल्प तीन सही है, अपभ्रंश। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा, शासकीय कार्यों की भाषा को क्या कहते हैं? शासकीय कार्यों की भाषा को क्या कहते हैं?
तो शासकीय कार्यों की भाषा को कहते हैं राजभाषा। राजभाषा राजभाषा मतलब प्रश्न नंबर 39 का विकल्प 3 सही है। संविधान के प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की लिपि देवनागरी स्वीकृत की गई है? तो 343, 343 को माना गया है संघ की लिपि। प्रश्न नंबर 41 देखिएगा, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है यह बताना है आप लोग को। तो अमानक वर्ण में कौन आएगा यह बताना है। तो इसमें होगा, इसमें विकल्प 3 सही होगा, विकल्प 3 इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 42 देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो अ उ ए ड, तो कौन स्वर नहीं है? तो आप लोग जानते हैं स्वर जो होगा अ उ ए, यह स्वर स्वर है, लेकिन ड जो है स्वर नहीं है, ड जो है स्वर नहीं है, जबकि व्यंजन है ड। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा। 43वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? ब्रज, अवधी, हरियाणवी या कन्नौजी? तो पूर्वी हिंदी की जो बोली होगी यह होगी अवधी, अवधी अवधी होगी, अवधि जो होगी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो आइए अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी की जो बोली होगी आपकी, 44वां प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही है, कौरवी। कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, लेकिन कौरवी जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, हिंदी को राजभाषा का पद कब मिला है? हिंदी को राजभाषा का पद मिला है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का पद मिला है, 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा दोस्तों, ब्रजभाषा का केंद्र क्या है? ब्रजभाषा का केंद्र को क्या है? चार है ऑप्शन में आप लोग पास, बनारस और अयोध्या, बिल्कुल नहीं, आगरा और मथुरा, बिल्कुल यही सही है, आगरा और मथुरा जो है ब्रजभाषा का केंद्र है, क्योंकि आगरा और मथुरा आसपास सटे सटे हैं, ये सभी ब्रजभाषा के केंद्र हैं। ये तो आप समझ सकते हैं कि ब्रज भाषा का केंद्र आगरा और मथुरा ही हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो सौर सेनी से हुआ है, सौर सेनी से हुआ है, सौर सेनी से हुआ है। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो आप लोग बता दिए, पूर्वी हिंदी की जो बोली होगी अवधी होगी, बघेली होगी, छत्तीसगढ़ी होगी, यह सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा, र वर्ण कैसा व्यंजन है? तो र वर्ण कैसा व्यंजन है आप लोग को बता दें, यहाँ चार ऑप्शन है, र वर्ण कैसा व्यंजन है? तो यहाँ है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन जो होता है ल होता है, उसमें व्यंजन में स ख सह आदि आते हैं। जो र वर्ण है, र वर्ण जो है आपका कंपन जात वर्ण है, क्योंकि र जब बोलते हैं र, तो उसमें क्या होता है, कंपन बहुत तेज होता है, ऐसे मान लीजिए होता भी है, तो र वर्ण जो होता है कंपन जात वर्ण होता है। उत्क्षिप्त में जो आएंगे ड ठ जो आएंगे उत्क्षिप्त व्यंजन में आएंगे, तो र वर्ण कैसा व्यंजन है? कंपन जात, मतलब विकल्प 3 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, इसमें कौन सा वर्ण अल्प प्राण घोष है? इसमें कौन सा वर्ण है जो अल्प अल्प प्राण घोष है? तो आप लोग को बता दिए हैं, अल्प प्राण उसे कहते हैं जब वायु कम मात्रा में निकलती है, तो अल्प प्राण कहते हैं, और महाप्राण उसे कहते हैं जब वायु अधिक मात्रा में तेजी के साथ बाहर निकलती है मुंह से, तो उसे महाप्राण कहते हैं। ख जो होगा आपका महाप्राण होगा, भ जो होगा देखिए, ख जो होगा महाप्राण होगा, भ भी होगा यह महाप्राण होगा, द जो होगा त थ द द जो है आपका यह अल्प प्राण है, तो विकल्प 3 इसमें सही है, अल्प प्राण होगा द। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और इस तरह की सीरीज आप लोग को मिलती रहेगी। और यह जो भी सीरीज है बहुत ही रामबाण सीरीज है परीक्षा के लिहाज से, और मैं कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की कोई परीक्षा हो, हर परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आप लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। या यूपी टेट, सी टेट, TGT, PGT, PRT या फिर नेट एग्जाम या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपने
टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ या फिर जो भी स्टडी मटेरियल रहेगी, वह जानकारी रहेगी, वह सामग्री आप लोग को मिलती रहेंगी। आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।